नमस्कार, आप देख रहे हैं सर साटू, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त देखिएगा तो पूरे शहर में भैया दूज की धूम है और तमाम बहन जो है अपने भाई को लंबी उम्र की कामना करने के लिए व्रत रखी जाती है। आप पटना सिटी के अगर विभिन्न स्थानों पर देखिएगा तो इसी तरह भीड़ है, और चाहे वो लड़कियां हों, छोटी छोटी बच्चियां हों या फिर महिलाएं हों, अपने भाई को लंबी उम्र की कामना करने के लिए व्रत रखी जाती है। और भैया दूज के अलावा इसको आप गोधन भी कह सकते हैं। क्या कुछ करें ये व्रत करी हुई महिलाएं और क्यों मांगते हैं लंबी उम्र की कामनाएं, हम सीधे चलते हैं इन महिलाओं के पास। जब देखिएगा तो ये लोग किसी जो बल्ला है उस बल्ला के सहारे कूटा जा रहा है। हम तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाते हैं। आज भैया तुझे हाँ भैया तुझे आज अपने भाइयों सारे भाइयों के लिए लंबी उम्र दीर्घायु के लिए मैं लंबी प्रार्थना करती हूँ कि हमारे भैया आगे सफल हो, आगे बढ़े और हर कामों में सफलता प्राप्त हो सारे भाइयों के लिए। अभी छोटी बेटी भी ये अपने भाइयों के लिए व्रत रखी है। मेरे भैया हमेशा आगे बढ़ते रहे। भाई दूज लंबी उम्र के लिए, भाइयों की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई दूज अपने भाई की लंबी आयु की कामना करने के लिए किया जाता है। हमारे भाई आगे जिंदगी में बढ़ते रहें, अपने बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ते रहें, उनके रास्ते में कोई भी दुश्मन आए तो उसको असफल बन जाए, यही कामना करते हुए। इसको कूटने का क्या प्रथा है? क्या कूटा? ये भाई के दुश्मन को कूटते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, कि मेरे भाई का दुश्मन रहे उसको हम कूट देते हैं कि आगे मेरे भाई के कोई दुश्मन आ गए हरा ना पाए।